जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वह आदमी जो है सरेआम संसद में बैठ रहा है, जिस आदमी को जेल में जो है सजा काटनी चाहिए वह आदमी जो है कहीं ना कहीं भारत देश में और अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से आवाज खड़ी कर दी है, दिल्ली पुलिस को लेकर जमकर सवाल खड़े कर दिए, बीजेपी सरकार को घेर लिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह प्लस भाजपा का कनेक्शन बराबर दिल्ली पुलिस, ये कहा जा रहा है कि क्या तानाशाही प्लस मोदी बराबर जो है लोकतंत्र की हत्या। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि आए दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, कभी पत्रकार का अपमान कर रहे हैं तो कभी पत्रकार का माइक जो है उनको दूर कर देते हैं, कभी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो कभी ग्वालियर पहुंच के ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह देते हैं कि जो राजनीति चल रही है वह राजनीति जो है कांग्रेस के द्वारा जीवित की गई है, किसानों के द्वारा जीवित की गई है, यानी कि रेसलर्स की बातों पर आप भरोसा मत करो, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा कई बार कही गई है। लेकिन यहां पर स्वाति मालीवाल ने कहीं ना कहीं फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए, केंद्र की सरकार को घेर लिया। सुनिए आप स्वाति मालीवाल को। देश जानता है कि ब्रजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। एक महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो, पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा। उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है ब्रजभूषण के खिलाफ जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ब्रजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे दो सवाल है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि ब्रजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। और दूसरी बात मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि ब्रजभूषण उनका ही एमपी है, उनका ही सांसद है। मैं ये जानना चाहती हूं कि कब तक ब्रजभूषण जैसे गुंडे को केंद्र सरकार संरक्षण देगी और बचाएगी, क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है। ये बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि जिस आदमी की जगह जेल है अब वो संसद में बैठकर देश के कानून बनाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। तो सुना आपने स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं पर बात की और गुस्से में नजर आई स्वाति मालीवाल, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक महिला है और महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द ज्यादा समझती हैं। पहले भी पहलवान खिलाड़ियों के साथ नजर आई थी, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए थे, ये कहा था दिल्ली पुलिस का और ब्रजभूषण शरण सिंह का कनेक्शन क्या है। अब देखना ये पड़ेगा कि स्वाति मालीवाल के इन तमाम सवालों को सुनने के बाद क्या बीजेपी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेगी, क्या उनको जेल भेजेगी। हालांकि 18 जुलाई भी नजदीक है, कोर्ट का फैसला भी अभी आना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।